बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया होगा तो। 3, 2, 1 एंड गो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब ठीक होंगे? आज हम लोग आए हैं वेजिटेरियंस के पैराडाइज में, नंदीबाग रिजॉर्ट करजत। क्या क्या होने वाला है, क्या क्या देखने मिलने वाला है आपको, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। क्या प्राइस है, स्टेशन कितना दूर है, अगर आप स्कूटी या बाइक या कार से आ रहे हो तो कैसे आना है, एंड गूगल का लिंक वगैरह सब कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। या फिर अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मेरा रूम आज के लिए, जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, मैं और एक्चुअली मेरा भाई वहाँ पर है। पारस, आए घर? हाय, मजे करते? ओके, आपको मेरे पीछे जगह दिख रही होगी, वो एक्चुअली पार्किंग स्पेस है। वहाँ पे जो स्कूटी है वो मेरी है। अगर आप अपनी बाइक या फिर कार लेकर आ रहे हो तो यहाँ पर आप पार्क कर सकते हो। मुझे यहाँ पे बहुत ही सारी पॉजिटिव वाइब्स है। यहाँ पे नंदी है एंड वहाँ पे शंकर जी की मूर्ति है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक्चुअली अगर आप यहाँ से देखोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको, राइट? अभी मैं आपको रूम दिखाता हूँ मेरा। यहाँ पे 3 टाइप्स के रूम है, जिसमें से ये हम लोगों ने बुक किया था। यहाँ पे एक्चुअली आपको 2 बेड्स मिलेंगे, एंड मेरा बहुत सारा सामान एक्चुअली बिखरा पड़ा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरा ड्रोन है, गिम्बल है, मेरे चश्मे वगैरह है, टॉवल वगैरह सब रखा है यहाँ पे। वहाँ पे बैटरीज मैंने चार्ज करने रखी थी गोप्रो की मेरी। 2 बेड मिले हैं, बहुत ही कम्फर्टेबल है ये। पारस आ गया सामने से। तो जी, यहाँ पे एक्चुअली वार्डरोब है, अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है तो आप ये खोल के अंदर रख सकते हो। इसे छोड़ के यहाँ पे है वॉशरूम, बहुत ही बड़ा स्पेस है। यहाँ पे मेरा आवाज़ थोड़ा सा एको होगा। ऊपर शावर है, नीचे आपको बकेट वगैरह मिलेगा, एंड यहाँ पे बेसिन है, से हाय। एंड इतना ही है। यहाँ पे एसी वगैरह सब कुछ है, अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए। तो यहाँ पे टीवी है, आप टीवी देख सकते हो पूरा टाइम। एंड उसे छोड़ के यहाँ पे बहुत सारे गेम्स वगैरह भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली खाना ले लिया हम लोगों ने, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। ओके, तो चपाती का, दाल राइस है, पनीर की सब्ज़ी है, और मेन आम रस एंड सेब की सब्ज़ी है। सेब की सब्ज़ी खा के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब मुझे लास्ट टाइम कब खाया था वो भी याद नहीं है। एंड मम्मी एक्चुअली घर पर बहुत ज़्यादा पहले बनाती थी, तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई। पारस का एक्चुअली ख़त्म होने आ गया। कैसे पारस? मस्त है, मस्त है, मस्त। तो जो आपने प्लेट में देखा मेरे, वही सब था बफे में। उसको छोड़ के एक्चुअली छास भी था। अगर आपको बफे नहीं चाहिए तो आप खाना ऑर्डर भी कर सकते हो, उनका मेन्यू भी है। तो यहाँ पे मैं कैसे आया? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्कूटी से आया हूँ। तो अगर आपको, आप में से कोई भी नवी मुंबई या फिर मुंबई में रहता है, तो हार्डली आपको, मतलब मुझे नवी मुंबई से नेरुल से आने के लिए यहाँ पे 1.5 घंटा लगा था, 1 आवर 30 मिनट्स। तो बहुत ही ज़्यादा पास में, इतना दूर नहीं है। मैं स्कूटी से आया था, रोड ओके ही है, इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं, इतना ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन एक्चुअली स्टेशन ऐसा बहुत ज़्यादा पास में करजत स्टेशन, तो वहाँ से आई गेस हार्डली आपको 30 मिनट्स लगेंगे यहाँ पे पहुँचने के लिए। बाय ट्रेन आ रहे हो तो वहाँ से आप रिक्शा कर सकते हो और वहाँ से यहाँ पर आ सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो खुद का व्हीकल लेकर ही आओ, बाइक या फिर कार जो भी आपके पास, या स्कूटी। कैसे बारस? मस्त है, मस्त है। अभी हम लोग हाइट ही कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे कांदा भजी है एंड चाय है। ओके गाइस, इतना ओके गाइस बोल रहा हूँ मैं। अभी हम लोग आईडी करेंगे एंड देन गेम्स खेले जाएंगे, और फिर थोड़ा सनसेट सनडाउन हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट सनडाउन हो गया है अभी, 6:21 हो रहा है, 6:30 हो रहा है। तो उसके बाद पूल में जाएंगे, चिल करेंगे, फिर आराम ही आराम है जाके सो जाएंगे आराम वापस। एक्चुअली हम लोग ने इतना सोया है ना बरस। थोड़ा टाइम के अंदर मिलता है, अभी चाय पी लेते। ओके, तो फाइनली हम लोगों का स्नैक्स करके हो गया, हाई टी जिसे बोलते हैं, और मेरे साथ अभी है मीत। आजा, भागो 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 भागो। एक्चुअली इनका है नंदी बाग रिसोर्ट। हेलो, सॉरी, ये मीत है। मोइज। हम 5-6 लोग जा रहे हैं इंडोर गेम्स खेलने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर क्या क्या है। Thank you.
तो गाइज ये है इंडोर गेम्स का एरिया, बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। इस साइड में टेबल टेनिस है, यहाँ पे कैरम बोर्ड है, 8 पूल है, ये फुटबॉल है। आपको कुछ बोलना है वीडियो में? अरे 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 शर्मा रहा बच्चा। देव को कुछ बताना था आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें हैं इस रिसॉर्ट में जो मुझे एक्चुअली नहीं पता थी जब मैंने इनको मैसेज किया था कोलैबोरेशन के लिए। रिसॉर्ट बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हमारा है सेल्फ केयर नेचुरल थेरेपी और एक हमारा है बेसिक जो रिसॉर्ट होता है वैसा है। तो बेसिक रिसॉर्ट्स में हम कस्टमर्स लेते हैं और नेचुरल थेरेपी वाले में लोग वेरियस डिजीजेज वगैरह उनसे जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए आते हैं। तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा ये जो हल्का सा फोर्ट वाला उन्होंने बना के रखा है, ये बेसिकली उन्होंने फोटोशूट के लिए बनाया। अगर आपको प्री वेडिंग वगैरह को शूट करना है तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। हल्का सा मैं बोलूँगा कि 80-90% केरला वाला वाइब दे रहा है। जैसे आप पेड़ वगैरह देखोगे हर जगह पर, पापा एक्चुअली काम चल रहे हैं उनका। क्या बना रहे हैं पापा? अभी हम वाटर एक्टिविटीज चालू कर रहे हैं इन द पॉन्ड। ओह ओके, लाइक साइकिलिंग एंड ऑल। रेन डांस का इधर चालू है काम अभी। अच्छा, तो अभी रेन डांस एक्चुअली मेरे ऊपर भी है, आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा स्प्रिंकलर टाइप है। ओके, वैसे यहाँ पे बहुत सारा है। अभी 15-20 डेज में सब एक्टिविटीज, 15-20 डेज में ही आपको इतने सारी एक्टिविटीज देखने मिलेंगी जो शायद से आपको मेरे वीडियो में भी देखने नहीं मिलेंगी। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार आके चेक कर लीजिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, आपके एक्सपीरियंस के लिए। हे गाइस सॉरी मैं पूल में हूँ, लाइक नो शिट शरलॉक। शाम के 7 बज रहे हैं और बहुत ही अच्छा सनसेट हो रहा है पीछे, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे पीछे पारस बैठा है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। उसका दिन बहुत ही अच्छा था, हम लोगों ने एक्चुअली रीड बराबर से शूट ही नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों ने नींद में निकाल दिया। लेकिन बहुत सारे कंटेंट आने वाला है, मैं बहुत सारे कैंप साइट्स, विलास, रिसॉर्ट्स, बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर रहा हूँ। एंड मैं प्लान कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एवरी मंथ, हर महीने में एक बार मैं मेरे सब्सक्राइबर के साथ या फिर मेरे फॉलोअर के साथ किसी ट्रिप पे जाऊँ। डूब गया, टाइटैनिक की तरह। स्विम करते थे, बहुत ज़्यादा थक गया था और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो अभी डिनर का टाइम हो गया, अराउंड 9-10 कुछ तो हो रहा है, 9:10। मैं यहाँ पर है पास्ता एंड सूप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है पास्ता, ये है सूप। पारा सर मैंने दोनों ने सेम किया है। एक्चुअली वहाँ पे छोले एंड वेज बिरयानी है एंड सलाद है, पूरी है, इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार ये ट्राई कर लेते हैं, देन फिर हम लोग वो खा सकते हैं। थोड़े टाइम के बाद मिलता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कैसा था सब कुछ। आज का दिन एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर दी शूट करने का। तो मैं कल सुबह जल्दी उठूँगा एंड कल वापस शूट करूँगा एंड देन फिर हम लोग घर चले जाएँगे। ओके, सेकेंड राउंड में मैंने छोले और पूरी लिया और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब सूप भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ओवरऑल डिनर 5 out of 5, पेट फुल हो गया, अभी आगे सोएंगे, सुबह जल्दी उठना है, सनराइज़ कैच करना है। सनसेट भी अच्छा था, होपफुली सनराइज़ भी अच्छा हो, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग गाइज, तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है, रूम्स, पूल्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, गाय, डॉग्स और क्या बाकी है वारस, कायाकिंग दिखा दिया मैंने आपको, ऑलमोस्ट सब कुछ दिखा दिया। थोड़ा सा फोकस शिफ्ट रखिए पीछे सन है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। एक्चुअली हम लोग सुबह 7 बजे उठ गए थे एंड तब तक सनराइज़ हो गया था जो आपको पीछे दिख रहा है, एंड उसी की वजह से थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट ऑलमोस्ट सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डाइनिंग एरिया मैंने आपको दिखा दिया है, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग सब कुछ सब टिप टॉप है, ऐसे मुझे लग रहा है पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी फाइनल टाइम आ गया है आपको प्राइजेस बताने का। पर कपल जो यहाँ पर चार्जेस है 2 लोगों के लिए वो है 4,000 रुपीज़ वीक डेज में और 5,000 रुपीज़ वीकेंड में। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो 1,700 पर पर्सन आपको चार्जेस पड़ता है। बाकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है यहाँ पर आने के लिए तो मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, तो आप जाके डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड जो भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप उन्हें पूछ सकते हैं। छोटी सी बात गाइस, अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है तो आपको यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो वोडाफोन आइडिया को आपको नेटवर्क मिलेगा, जियो को आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो वो ध्यान में रख के आना। यहाँ पर बाय द वे वाईफाई है, स्टेकेशन के लिए बेस्ट है, अगर आपको काम करना है तो भी आ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का ये फाइनल मेल, आज का मतलब आज तो अभी ऑब्वियसली चेकआउट हो जाएगा थोड़े टाइम में, लेकिन ये लास्ट मेल है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। बेसिकली पोहा, पापड़ी, जलेबी और ब्रेड बटर, पारस ने भी सेम चीज़ ली है, और यहाँ पे चाय है
इसको छोड़ के वहाँ पे उपमा था एंड चटनी था, राइट, चटनी था। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो अच्छी बात है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। ये बस अभी ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा बोर कर दिया मैंने आप लोगों को। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। रील्स आने वाले हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर और बहुत सारे फोटोज़ वगैरह मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ उसे भी जाके चेक कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे नीचे है, पारस का भी इंस्टाग्राम आईडी नीचे है, पारस भी थोड़े से वीडियोस डालने वाला है। और इसी के साथ मैं आपको एक लास्ट मेंबर से मिला दूँ वापस एक बार। हाय डॉलर, बाय।